चलो वी आर लाइव। एवरीबडी ना मस्ट बी ऑलमोस्ट स्लीपिंग। गाइज आर यू स्लीपिंग, आर यू अवेक? अच्छा लाइव का ना ये बड़ा थोड़ा सा वियर्ड है कि सबसे पहले आप लाइव जाओ और उसके बाद ना वेट करो कि कोई आ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाय सुनीता, हाय निधि, हाय कीर्ति, हाय हर्षा, हाय मनलीन, हाय खुशबू, हाय हिना, हाय निशा, हाय प्रीति, हाय रम्या, हाय सो मेनी पीपल। या वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल। वाओ, आई थॉट दैट आज सब रेस्ट कर रहे होंगे। नहीं आज एक्चुअली अच्छा दिन है लाइव जाने का ना। थैंक यू। हाय हाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आई होप सबने जो दिवाली व्लॉग है वो देखना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा लंबा व्लॉग है तो आप ब्रेक्स में भी देख सकते हो उसे, बट आज पोस्ट हुआ है 4 o'clock पे। सबको पता नहीं नोटिफिकेशंस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जा रहा है तभी सो नहीं, नहीं ये वाला नोटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से गया है क्योंकि मुझे भी आया नोटिफिकेशन। अच्छा, और लेकिन जो व्लॉग वाला नोटिफिकेशन है ना वो पता नहीं गया है नहीं गया है। गाइस प्लीज बताना इफ यू गॉट अ नोटिफिकेशन फॉर द व्लॉग। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सौरव यू आर वेरी इंटेलिजेंट, नहीं क्रिएटिव, पता नहीं क्या बोला। ब्लॉग पे भी करा है काफ़ी लोगों ने ये, बट ऑब्वियसली आई हैव स्पोकन अबाउट इट सो मच, राइट? द वन ऑफ द 101 रीजंस फॉर मी लविंग यू द वे आई डू। आई थॉट देर आर मोर। 100 बहुत छोटा रीजन है यार। 100 भी लेस है। हाय एवरीबॉडी, हाय, वी जस्ट हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी टू जॉइन इन। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर पीपल टू जॉइन इन एंड देन वी विल स्टार्ट। हाय हसनत, आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट। Where is Kabir? Any guesses where is Kabir? Where can he be? Achha, people are talking about my Rangoli. Yeah. So thank you so much. मेरी बचपन से ही पेंटिंग करने की हॉबी रही है। Yeah. तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है बट अभी टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी ऐसा मौका मिलता है रंगोली और ये सब कुछ करने का इंटरेस्टिंग मैं कर लेता हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ इस चीज़ में, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट सौरभ यूज़ टू विन ऑल, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड के बीच में ऑल द कॉम्पिटिशन स्कूल में भी जब होते थे, तो दैट्स अनदर नाइस थिंग अबाउट सौरभ दैट यू गाइज नो नाउ। तो सौरभ का बहुत दिल था कि मुझे करना है, मुझे प्रोफेशनली पेंटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना था, बट ठीक है लाइफ आपको इधर उधर लेके जाती है, दैट्स फाइन। या ही वॉन्टेड टू जॉइन व्हाट, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स ऑल्सो ना, यू वॉन्टेड टू College of Arts, I think. Yeah, Delhi College of Arts. Yeah. But he ended up with hotel management. Yeah. क्योंकि अच्छा अच्छा खाना भी बनाना सीखना था, क्योंकि ऐसी वाइफ मिलनी थी जो इतना खाती है, मतलब अच्छा खाना खाना पसंद करती है, तो लाइफ कनेक्शंस बना ही देती है when you think about it later. So I think we have a lot of people. Okay. Let's quickly get on with the discussion. Okay, so hi everybody, welcome back to Momcom India. मैं हाई एवरीबडी थोड़ी बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ हाई मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू Momcom India. आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट ग्रेट दिवाली, ग्रेट टाइम विद योर फैमिली. हमने ब्लॉग पोस्ट किया है, आई होप यू विल लव इट. मेरे जो लड्डू हैं अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अगर आपको लड्डू का सीक्रेट जानना है तो आपको ब्लॉग में देखना पड़ेगा. पता नहीं ऐसे मोमेंट्स कैप्चर कैसे हो जाते हैं, कैमरा का ये डिसएडवांटेज बहुत है. ये लड्डू के सीक्रेट ना मानसी आपके 4-5 महीने से देख रहे हैं अच्छी तरह. सो ये हुआ है, हमने सोचा कि आज सबके साथ जाके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लाइव जाते हैं, सरप्राइज इफ एनीबडी इज़ देयर वी डेफिनेटली लाइक टू चैट विद यू एंड कपल ऑफ थिंग्स वील शेयर विद यू इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले दिखा देते हैं कि कबीर कहाँ है. वुड यू लाइक टू डू दैट? हाँ, यू वांट टू गो इनसाइड और यू वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन एंड देन ओके डू दैट. तो इसका वो इंट्रो कर दो क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये पूछा भी था. सो गाइज ये हमने एक वीडियो में भी करना था बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है अलग से वीडियो करने का. सो कबीर इज स्लीपिंग इनसाइड, ऑब्वियसली अभी नानी भी आई हुई हैं तो वो नानी उसके पास हैं, बट आपने पहले भी हमारे वीडियोज़ में देखा होगा कि द वे वी वर्क इज़ दैट वेन कबीर स्लीप्स दैट्स आर टाइम, दैट्स आर एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम वेन वी वर्क, वेदर इट्स डे टाइम वेदर इट्स नाइट टाइम. तो जब कबीर सोता है उस टाइम पर हम लोग काम करते हैं. हाँ,
और स्पेशली रात को जब हम लाइव जाते हैं तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग लाइव आए हो, कबीर कहाँ है, और कबीर को आप लोग कमरे में, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि कबीर को आप लोग कमरे में छोड़ के आ गए और आप लोग ध्यान नहीं रखते रात को, ये वो। तो ऐसा नहीं है। तो उस टाइम पे हमने शेयर किया था कि एक डी लिंक का वाईफाई कैमरा आता है, वो हमने परचेज़ किया है, और उस कैमरे की वजह से हम वो कैमरा लगा देते हैं। और कबीर जो है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में, हाँ, तो अंदर अभी नानी जो है वो कबीर के साथ सो रही हैं, और ये नाइट विजन ऑन है, और अभी मानसी गई, आपको दिखेगा अभी वो उठ के गई है अंदर, और उसने दरवाज़ा बंद किया और वो डांस करने की कोशिश कर रही है। आई होप वो लाइट ऑन करके दिखाए, क्योंकि नाइट मोड में अलग दिखता है और लाइट में अलग दिखता है। मानसी लाइट, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, हाँ। तो जब लाइट ऑन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, लाइट ऑन हो जाता है, और जब नाइट मोड होता है तो वो नाइट मोड में स्विच हो जाता है। तो ये है डी लिंक का कैमरा, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और तो इसकी बैक स्टोरी मैं बताता हूँ। तो जब मैं और मानसी ट्रैवल कर रहे थे, हमने मतलब कबीर के आने से पहले उसकी शॉपिंग का प्रिपरेशन वगैरह जब स्टार्ट किया था, एक चीज़ जो हमें डेफिनेटली लेना ही था, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस में भी देखे थे और रिसर्च में भी पता किया था, वो है बेबी मॉनिटर। उसमें क्या होता है कि आप बेबी को अगर अलग रूम में भी सुलाते हो या बेबी कहीं पर होता है तो आप वो बेबी मॉनिटर लगा के आ सकते हो, और अपने सेलफोन में या फिर बेबी मॉनिटर के ही किसी और डिवाइस में आप देख सकते हो। लेकिन जो मैंने पता किया उसमें बेबी मॉनिटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार रुपये के थे, तो इसलिए हमने वो परचेज नहीं किया था। लेकिन इस टाइम पे एक रिसर्च के दौरान मुझे ये डी लिंक वाला दिखा जो सिर्फ 2400 के आसपास का है। मैंने लिंक छोड़ दिया है अमेज़ॉन का, आप वहाँ से देख सकते हैं, 2400 रुपये का है और वो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। इनफैक्ट आप इसको लगा के अगर आप सेलफ़ोन के थ्रू कहीं पे आप ट्रैवल भी कर रहे हो, जैसे सीसीटीवी कैमरास के होता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी आप घर का फीड देख सकते हो, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कबीर जिस रूम में है वहाँ लगा देते हैं और हम लोग जहाँ पे हैं सेलफोन कनेक्ट करके उसे देखते रहते हैं। सो दैट्स द अपडेट ऑफ द डी लिंक। सो हुएवर वॉन्टेड इट, आई होप वी हैव बीन एबल टू गिव यू द लिंक एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। आगे चलें मानसी। यस, सो दैट्स फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग जो अभी हमने संडे को वीडियो पोस्ट किया था, मीठा पूड़ा, याद आ गया, मीठा पूड़ा की रेसिपी हमने शेयर करी थी। तो उसमें कबीर जो है वो एक टैबलेट से खेल रहा था, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका लिंक डालना, हमने नहीं डाला था बिकॉज हमें ध्यान ही नहीं आया था कि मतलब ऐसा कुछ डालने की उस टाइम ज़रूरत है। तो आई थॉट कि इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ और कवर भी कर देती हूँ, सो हूएवर इज़ इंटरेस्टेड। सो गाइस ये है, ये फिशर प्राइस दिख रहा है, ये फिशर प्राइस का लाफ एंड लर्न स्मार्ट टैबलेट है। इसमें 3 लेवल्स हैं एंड कबीर काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा है, मतलब जब हम उसे खाना खिलाते हैं तो एंगेज करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एंड यू कैन लर्न ऑल्सो, हमने कब लिया था, 8-9 मंथ्स में ले लिया था, तो लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें A to Z सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दिए हुए हैं, उनके साथ जो वर्ड्स एसोसिएटेड होते हैं जैसे A for Apple वो दिया हुआ है, और एप्पल साउंड कैसे करता है जब आप बाइट करते हो तो वो दिया हुआ है। तो अलग अलग बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टेजेस बने हुए हैं, Stage 1, Stage 2, Stage 3, तो वो बहुत अच्छा है। प्लस म्यूजिक है, तो आई रियली लाइक इट। मतलब इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक मिनट, अगर तो अगर एल पे प्रेस कर रहे हैं तो लायन साउंड, एच पे हॉर्स साउंड, सॉरी। सो ये तो थे साउंड, अभी कबीर को सुनाई दे जाएगा तो शायद वो उठ भी जाए एक्साइटेड होके कि मेरे टॉय से खेल। तो ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर किसी को इंटरेस्ट है
तो जाके लिंक चेक करिए और अमेजोन से आप लोग परचेज कर सकते हैं। अराउंड 1300 का है और अगर अमेजोन में कोई डिस्काउंट चल रहा है तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में भी ले सकते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली ईटिंग, जब आप ट्रैवल भी करते हैं, जैसे हम कबीर के साथ ट्रैवल करते हैं, तो ये हम ज़रूर रख लेते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ करके आप इसमें से इनोवेशन कर सकते हो। म्यूज़िक इसमें काफ़ी राइम्स वगैरह भी आ जाती हैं। द ओनली थिंग जो मुझे पर्सनली लगता है कि बेटर हो सकता था इस पर्टिकुलर टैबलेट में, वो है साउंड। साउंड थोड़ा और होना चाहिए था, तो इट वुड हैव बीन बेटर। भी साउंड उसका थोड़ा सा लो है, लो है। हाँ, सो दैट्स, लेकिन कार में जैसे हम लोग ड्राइव वाइव पे जाते हैं तो अच्छा एंगेज कर लेता है ये कबीर जो है। मैंने उसको मैक्सिमम इसके साथ हाफ एन आवर तक खेलते हुए देखा, व्हिच इज आई थिंक एन इटर्निटी फॉर पेरेंट्स वांट टू एंगेज देयर चाइल्ड। अ लॉट, 30 मिनट्स इन वन टॉय टू मच। सो दैट्स द सेकेंड अपडेट। एंड थर्ड अपडेट हम ये देने वाले थे अबाउट द वीडियोज जो अब आने वाले हैं। सो वेट बिफोर यू प्रोसीड गाइज, प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर आप लाइक हिट नहीं करते हो तो एक तो हमें भी नहीं पता चलता कि आप ये अप्रिशिएट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और दूसरा ये वीडियो ताकि और लोगों तक पहुँचे इसके लिए भी लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वुड रियली रियली अप्रिशिएट, स्पेशली आर पाकिस्तानी व्यूअर्स, वी आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर मैसेजेस। प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शो अस द सपोर्ट। यस, एंड थर्ड अपडेट इज अबाउट द कॉन्टेस्ट। सो हमने 6 नवंबर को एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट अ दिवाली कॉन्टेस्ट। हमने आज ब्लॉग में भी उस पर अपडेट कवर किया है। ऑलरेडी उस पर 174 एंट्रीज आ चुकी हैं, एंड आई एम श्योर अभी सब लोग दिवाली वगैरह में बिजी थे, इस वजह से ज़्यादा लोग देख भी नहीं पाए हैं और इसलिए पार्टिसिपेट भी ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। सो वी वॉन्टेड टू कवर दैट ऑल्सो इन दिस वीडियो गाइज। कॉन्टेस्ट संडे तक ओपन है। वी रियली वॉन्ट टू सेंड दीज नाइस हैम्पर्स फॉर योर बेबीज, सो प्लीज़ टेक पार्ट इन इट। दीज कॉन्टेस्ट आर फॉर, ये सबके लिए, सबके, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप अपनी कितनी भी पुरानी पिक्चर डाल सकते हो, कैसी भी मतलब आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे डाल सकते हो, बट इट हैज टू बी अ फैमिली पिक्चर। दैट्स आकांक्षा, ऑल वी वांट। आकांक्षा, एंटीना ठीक करो अपने छत पे जाके, वाईफाई ठीक चलने लग जाएगा। मेरी वाईफाई खराब आ रहा है। सो वी होप कि और पार्टिसिपेशन आएगा, ताकि हम संडे के बाद अपना काम स्टार्ट कर सके और फिर अच्छे अच्छे हैम्पर्स। कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी बने हुए हैं जो मुझे एडिट करने हैं, तो वो भी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। या तो ये था थर्ड अपडेट। फोर्थ है अबाउट द वीडियोज़ जो आने वाले हैं। तो इस संडे को आने वाला बहुत यमी पास्ता, एक ब्लॉग था जिसमें सौरभ ने कबीर के लिए पास्ता बनाया था, स्पेगेटी पास्ता, सिंपल सा पास्ता टोमेटोज़ के साथ, वेरी सिंपल। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो इस संडे आने वाला है। तो बहुत लोगों ने बोला था, आपने ब्लॉग में बोल दिया, उसके बाद आया ही नहीं। तो नहीं, वो डेफिनेटली आएगा। और वो पास्ता सिंपल था लेकिन मानसी को बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब जिस तरीके से आपने प्लेट ख़त्म किया तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लगा है, पता नहीं टेस्ट कैसा आया होगा। अच्छा था क्या? क्या वो कबीर के लिए था? आपका ना पता करना बड़ा मुश्किल है यार। आप गाइज, और काफ़ी लोग मुझे थोड़े टाइम से बोल रहे हैं कि आपका ना वेट इंक्रीज हो गया, तो गाइज एब्सोल्युटली हुआ है लास्ट कुछ टाइम मंथ्स में। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक माई वेट हैज गॉन अप बाय, दोनों का वेट इंक्रीज, हाँ, दोनों का ही हो गया। हम दोनों हेल्दी हो गए लास्ट 3-4 महीने में। हम अपने आप को कंसोल करते हैं कि नहीं यार, अब तो हम पेरेंट्स बन गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है वेट का बाद में देख लेंगे, लेकिन अंदर अंदर रियलाइजेशन होती है कि वेट बढ़ चुका है दोनों। एग्जैक्टली, एंड मतलब बहुत ज्यादा हो गया है कि अब हमें करना ही है कुछ, बट वो इसलिए, मेरा तो इसलिए ज्यादा हो रहा है कि कबीर के लिए जो भी बनता है, जो भी बनता है, उसमें से एक शेयर मुझे जाना ही जाना है। एक तो मुझे पहले टेस्ट करना होता है, ठीक है, कि मैं क्या खाने वाला है वो, उसके बाद जो वो छोड़ देता है खाना होता है।